नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में पार्किंग की बात को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष और ग्वारीघाट थाना प्रभारी के बीच खास सुनी हो गई, जहां बड़ी संख्या में नगर अध्यक्ष के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता ग्वारीघाट थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष का कहना था कि हर रोज की तरह वह नर्मदा दर्शन करने ग्वारीघाट पहुंचे थे, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होने पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पार्किंग की व्यवस्था संभाली और लोगों से अपील की सही तरह के गाड़ी पार्किंग करें। वहीं ग्वारीघाट थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उनसे बहस करने लगे। वहीं मामले की सूचना पाकर सीएसपी एचआर पांडे मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश दी और मामला शांत कराया। वहीं सीएसपी ने बताया कि भाजपा नगर अध्यक्ष के द्वारा पार्किंग की बात को लेकर बात की गई, जहां पार्किंग व्यवस्था को लेकर पुलिस की व्यापक व्यवस्था घाट में की जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। लंबे समय से ग्वारीघाट में भारी अव्यवस्था है। पहले भी हमने अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को ये बात बताई, 100 मीटर का बॉटल पॉइंट है। अगर वहाँ आप व्यवस्थित रूप से गाड़ियों को लाइन से पार्किंग कर देंगे और कारों की पार्किंग आप टोटल बंद कर दें, यहाँ पर नीचे घाट पे चले जाएं। आज भी यही स्थिति बनी, लगभग हम तो प्रतिदिन नर्मदा ही जाते हैं, सप्ताह में 3-4 दिन हम लोग अपनी गाड़ियों से उतर कर और यातायात व्यवस्था को ठीक करते हैं, कोई बल नहीं होता। आज भी यही स्थिति बनी, लगभग 15 मिनट में गाड़ी में खड़ा रहा, फिर हमने अपने सब साथियों को, मित्रों से बोला कि ये ऐसे मामला बनेगा नहीं, अपन गाड़ी से उतरो। हम लोगों ने उतर के लोगों से आग्रह किया, लोगों से मोटरसाइकिलें अलग कराई, जो मोटरसाइकिल रस्ते में खड़ी थी उनको पकड़ पकड़ के किनारे किया और गाड़ियाँ निकाल रहे थे। इस बीच में अपने ग्वारीघाट के TI महोदय बिल्कुल एकदम, तो मेरा ये कहना है कि आखिर ये रोज़ प्रतिदिन जो नर्मदा जी के दर्शन करने आने वाले लोग हैं, कोई परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए। ये कोई एक दिन का मैटर नहीं, 365 दिन यही स्थितियाँ बनती हैं। तो मैंने आज अभी CSP महोदय थे, बाकी कल SDM से और कलेक्टर महोदय से भी आग्रह करेंगे, और नहीं होगा तो फिर जो व्यवस्था, एक मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हम लोग का अधिकार है, वे धरना दे के यहाँ बैठेंगे तो लोग नहीं। मैं इसी, मुझे मेरे साथ बनी स्थिति, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि इसकी व्यवस्था ठीक होना चाहिए। लोग क्यों परेशान हों, अगर वो व्यवस्था बन सकती है तो क्यों नहीं हुई, बहुत सरलता से बन सकती, थोड़ा सा संकल्प की आवश्यकता। हमने महापौर जी को भी बोला, अन्नू भाई को भी बोला, लेकिन उनने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर हमारे जिम्मेदार अधिकारियों को, सबको मिलकर एक कोई व्यवस्था बनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग परेशान ना हो, बस मेरी इतनी चिंता। अभी क्या आश्वासन मिला? नहीं, अभी तो अधिकारियों ने बोला कि जो हमने उनको पॉइंट बताया 150 मीटर का, कि इस पॉइंट पर यदि आप गाड़ियाँ नहीं खड़ी करने देंगे, कारों की पार्किंग नहीं करने देंगे, तो मुझे लगता है कि अव्यवस्था नहीं। नहीं, वो अब उनको भी अब जानते तो हो, सारी बातों को समझते हो, लेकिन अब ठीक है, नई व्यवस्था सोचेगी, फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अगर ये पूरा नहीं होता तो फिर आगे क्या? कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो रास्ता, मुझे लगता है कि कुछ, देखिए ये हम लोग 365 दिन, हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो 365 दिन नर्मदा जी, अंचल जी आ गए, अंचल जी भी प्रतिदिन आते हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन नर्मदा जी आते हैं, तो सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि कोई ना कोई व्यवस्थित रूप से एक पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, और आज अधिकारियों ने आश्वासन किया, देखते हैं क्या हो सकता है। थाना प्रभारी की अभद्रता में क्या बोलेंगे? थाना प्रभारी चलता है, देखेंगे, फिर नहीं करेंगे तो फिर बहुत से रास्ते हैं, तो भेज दिया जाएगा उनको सरगुजा भेज दिया जाएगा। देखिए हम तो कहाँ, हमारा उनसे कोई राग द्वेष नहीं है, हमारा उनसे सिर्फ इतना ही आग्रह है अधिकारियों से कि आपका काम और हमारा काम जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का। नर्मदा जी हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था ठीक करेंगे तो लोगों को मुझे लगता है कि बहुत बेहतर सुविधा मिलेगी। थाना प्रभारी के साथ आपकी लॉकडाउन नहीं, वो चलता रहता है, वो कोई विषय नहीं, वो नहीं करेंगे तो फिर हमारा मुख्यमंत्री बैठा है। पर ये हमारी पुण्य सलीला मां नर्मदा जी के घाट पर शाम को पूरा जबलपुर दर्शन के लिए आता है, वहाँ यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है। आज हमारे नगर के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री प्रभात साहू जी आए थे, उनने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, उन्होंने हमें बताया है कि कुछ कुछ इन पॉइंट पर CSP साहब कार्रवाई आप करवा लें, तो यहाँ व्यवस्था तो मैंने वो देखे हैं, और थाना प्रभारी को भी इस संबंध में जानकारी देकर और लगातार 7 दिन के अंदर उसमें जो व्यवस्थाएं बन सकती हैं अच्छी व्यवस्थाएं बनवाएंगे। तो रहता नहीं है जब भीड़ भाड़ रहती है, नहीं रहती है पूरी, नहीं बल हो रही, जबकि शासन ने 5 किलोमीटर, अब मैं अभी मैं अभी मुझे अभी ग्वारीघाट का चार्ज 15 दिन पहले ही मिला है, मैं देख रहा हूँ और मैं पूरा इसमें बनाने का प्रयास करूंगा, जहाँ भी कोई शिकायतें आई उन पर हम कार्रवाई करेंगे सख्ती से,
और यहाँ बल रहेगा उपलब्ध, और यहाँ पर हमने सब इंस्पेक्टर उत्तम यादव और 4-5 सिपाही यहाँ रखेंगे थाने में जो बाकी रहेंगे, और नशेड़ियों के खिलाफ भी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। आप निश्चित नहीं नहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या है कि अब मैं अभी 15 दिन पहले ही ग्वारी घाट चार्ज में आया हूँ, मैं जो भी होगा व्यवस्था देखूंगा और उसमें सख्ती से कार्रवाई करूंगा। आप इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।